जिला परिवहन पदाधिकारी के नहीं होने से कई कार्य पड़े हैं महीनों से ठप। भागलपुर जिला परिवहन पदाधिकारी की पोस्टिंग नहीं होने से जिला परिवहन कार्यालय में ज्यादातर काम ठप पड़े हैं। वहीं आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद है, वहीं लाइसेंस सहित अन्य कार्य भी कार्यालय में नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण आम लोग जो गाड़ी खरीद रहे हैं उन्हें नई गाड़ी घर पर ही खड़े रखनी पड़ रही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण सड़क पर गाड़ी नहीं निकाली जा सकती है। 17 नवंबर 2022 को तत्कालीन डीटीओ फिरोज अख्तर के ट्रांसफर होने के बाद से विभाग के द्वारा यहां पर अभी तक डीटीओ की पोस्टिंग नहीं की गई है, जिसके कारण आम लोग परेशान हैं और कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं जिला अधिकारी का कहना है कि जल्दी ही डीटीओ की पोस्टिंग की जाएगी या फिर जिले के किसी अधिकारी को विभाग के द्वारा प्रभार दिया जाएगा। वहीं काम कराने आने वाले आम लोग लगातार 3 महीने से परेशान हैं। भागलपुर से अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। में बात हुई है और बहुत जल्दी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं या तो किसी नए पदाधिकारी की पदस्थापना हो जाए या जिले के किसी पदाधिकारी को जो है प्रभार मिल जाए। उम्मीद कर रहे हैं कि 1 सप्ताह में या 2-4 दिन में कुछ जो है इसमें हो जाना चाहिए। इसमें विभाग इसको देख रहा है। विगत 17 नवंबर 2022 से जो है डीटी जिला परिवहन पदाधिकारी फिरोज अख्तर का भागलपुर से ट्रांसफर हो गया लोक जन शिकायत पदाधिकारी कटिहार में। उसके जो है वो प्रभार में अपर अनुमंडल पदाधिकारी अनु कुमारी को प्रभार मिला, लेकिन अभी तक उनको परिवहन विभाग से कोई आदेश नहीं आया काम करने का, कोई सिग्नेचर का, आईडी का। गाड़ी मालिक जो है गाड़ी किस्त पे लेकर के गाड़ी दरवाजे पर खड़ा है और फिनांसर उसके घर पे जाता पैसा मांगने के लिए, वो महाजन से कर्ज लेकर के गाड़ी मालिक किस्त अदा कर रहा है, लेकिन गाड़ी पे जो है कोई भी 1 केजी माल भी नहीं ढो पा रहा है, गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है। इस अवस्था में क्या होगा? अभी विगत 3-4 दिन पहले अभी घोगा में यही एक गाड़ी मालिक के साथ घटना घटा, 3-4 महीना से वो किस्ती नहीं दे पा रहा था और फिनांसर उसके घर पे गया, वो गाड़ी मालिक को हार्ट अटैक हो गया, हम लोग को पेपर के माध्यम से मालूम हुआ था। अब जो परेशान भी करता है फिनांसर कि गाड़ी का जो किस्त दीजिए, गाड़ी मालिक किस परिस्थिति में किस्त देगा। और लाइसेंस में भी यही प्रॉब्लम है, लाइसेंस 10,000 से ऊपर पेंडिंग फंसा हुआ है और जिला में वाहन चेकिंग होता है, वाहन चेकिंग के दौरान जो है फाइन किया जाता है, चालान रहने के बावजूद भी प्रशासन उसको चालान को नहीं मानता है, बोलता नहीं हमको फाइन देना पड़ेगा। कम से कम जो है भागलपुर जिला में गाड़ी का और जो है ड्राइवर का जो पेपर नहीं बन पा रहा उसको छूट दिया जाए कि जो है जब तक आईडी पासवर्ड नहीं आएगा तब तक तो गाड़ी में कोई फाइन नहीं किया जाएगा, कोई ड्राइवर लाइसेंस का फाइन नहीं किया जाएगा। नाम बता दें। मैं ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन का प्रदेश सचिव, मैं पवन फौजी। यह लाइसेंस मेरा बनवाने के लिए दिया। कब अप्लाई किए? 2021 में। क्या हुआ इतना दिन से? इतना दिन से ये बता रहे हैं क्या कि आज डीओ साहब नहीं आए हैं, तो परब का त्यौहार का बंद है, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह का एकदम से बात बोल बोल के जो कि टाइम वेस्ट मेरा कर रहे हैं। कम से कम 2 साल से घूम रहा हूँ यहीं पे। कितना परेशान हो रहा? और हम अभी जो कि गोवा में काम करता हूँ वहाँ पे जो कि गाड़ी मेरा बार बार पकड़ता है, 1,500 ऐसे दे दे के मैं जो कि ये कर रहा हूँ, टाइम चला रहा हूँ, कैसे भी बिजनेस में काम करने वाले आदमी है। क्या नाम है? मोहम्मद साहिद सर। हाँ, कुरमा, धनोरा कुरमा।